ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବତିଶରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଜୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଦିନ କେମିତି ରହିବ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ରହିଥିଲା ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆସିଛି ताकू नहीं से कौन अधिक आलोचना करेंगे महाराज जी आपको स्वागत करती हूँ मैं अर्गस न्यूज से उड़ीसा से मैं आई हूँ जब भगवान राम की बात आती है तो कहीं ना कहीं इतिहास में हो या फिर सांप्रतिक परिस्थिति में हो अयोध्या की बात आती है तो आपका नाम जुड़ा जाता है क्योंकि आपने 32 से ज्यादा साल में अगर गलत ना हो तो आप पूजा करते हैं तो कैसा सर अभी महाराज जी कैसा लग रहा है अयोध्या की परिसर और क्या होने वाला है बाईस तारीख को किस किस प्रकार की व्यवस्था किया गया है देखिए यहाँ पर जो मूर्ति हैं जो पहले उसमें विवादित ढांचा में रही तेईस दिसंबर उन्नीस में वो फिर छः दिसंबर को गिरने के बाद में वो मूर्ति तिरपाल में आ गई वहाँ तिरपाल बना गया थे वह में आ गई वो आने के बाद 28 वर्ष तक तो वहाँ पूजा अर्चना हुई अब अस्थाई मंदिर में है ये मूर्ति ये मूर्ति छोटी है क्योंकि उस परिस्थिति में प्रकट हुई तो छोटी मूर्ति है अब ट्रस्ट को जब अधिकार मिला तबा कि ऐसी मूर्ति भी बनाई जाए जो कि लोगों को दर्शन हो और दर्शन से वंचित कोई न हो रह जाए इसलिए एक नई मूर्ति बनाई गई और उस नई मूर्ति के जो लगभग पाँच साल के बालक जो होते हैं जितने बड़े उतने हिसाब से बनाई गई है और ये मूर्ति छोटी है ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं अभी हुआ नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा हो तो नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उस जगह स्थापित किया जाए जहाँ सिंहासन बन गया है और सिंहासन उसी स्थापित होने के बाद में तो उनकी पूजा अर्चना शुरू होगी और आगे उनके सामने ही ये छोटी मूर्ति है जो इनका भी दर्शन होगा क्योंकि जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो इस मूर्ति का चर्चा जरूर चलाएंगे वो कहाँ है और इसी मूर्ति विराजमान रामलला के नाम से मुकदमा भी लड़ा गया और इसी मूर्ति को यह राम मंदिर के पक्ष में कोर्ट का आदेश हुआ इसे ये मूर्ति स्थित रहेगी और साथ ही साथ ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ट्रस्ट के माध्यम से होती है और प्राण प्रतिष्ठा की जितनी व्यवस्था है वो अभी सोलह से शुरू हो जाए हो जाएगा और सब कुछ व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है इसलिए वह जो अंतिम में जो गर्भगृह में लोग जाएंगे उसमें पांच लोग जाएंगे जी वो गर्भगृह में जब जाएंगे आप तो पांच जन रहेंगे पूजा भी करेंगे सब तो समापन होगा लेकिन जब ये बात सामने आता है कि पुरानी मूर्ति जो थी अब नया मूर्ति जो बन रहा है उसमें क्या फर्क ऐसा नज़र में आ रहा है, नजर में है कि एक मूर्ति छोटी है एक दूसरी चल अचल दो प्रकार की प्रतिष्ठा मंदिर में होती है एक मूर्ति अचल होती जो हटाई नहीं जाती तो जो नई मूर्ति बनकर के वहाँ स्थापित होगी वो हटाई नहीं जाएगी और इसको उत्सव मूर्ति कहते हैं कहीं ज़रूरत ही पड़ गया तो इस मूर्ति को बाहर भी निकाल करके और उसका उत्सव के रूप में ले जाएंगे ऐसे यहाँ पर एक झूला पड़ता है यह मणि पर्वत पर तो जो चल मूर्तियाँ होती हैं वहाँ जाती हैं और वहाँ झूला झूलती हैं फिर वापस आ जाती हैं तो इसी प्रकार से जो जहाँ जरूरत पड़ेगी कि हाँ राम लला की वो मूर्ति जो विराजमान रही और चल मूर्ति है तो उसको लाया जाए और उसके द्वारा ही उत्सव मनाया जाए तो उत्सव मूर्ति के नाम से ही जाना जाएगा जी उन्नीस में 1992 में आ, हमें जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री एक भक्त की तरफ से भक्ति की रूप से आए थे रा, राम मंदिर आए थे उसके बाद वो बोले थे जब अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तब मैं आऊंगा तो आज जब प्रधान सेवक देश में भी है और राम भक्ति की तरफ से भी वो आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको प्रधानमंत्री बहुत, अच्छा बहुत अच्छा है क्योंकि कहा मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक पालें पोसें सकल लंग तुलसी सहित विवेक मुखिया तो ऐसे चाहिए जो सबको मिले जैसे भगवान राम वनवास गए ऋषि महर्षियों से मिले बड़े बड़े जो जो महर्षि उनसे मिले और उसे कहा गया केवट से मिले निषाद से मिले और कोल भिल से मिले बंदर से मिले भालू से मिले तो ये केवल मनुष्य से नहीं बंदर भालू सबसे मिले और वही राम भगवान राम आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और हम लोग उनको परमात्मा के रूप में मानते हैं तो या, या उनकी प्रतिष्ठा है तो इसमें सभी लोग आएंगे सभी लोग की आना के जो भी सहभागी होंगे भक्त होंगे वो आएंगे और उनका जो है भगवान रामला का दर्शन करेंगे संघर्ष के समय में बरकत अली का नाम बहुत जोरों से लिया जाता है उस समय बरकत अली जब आए थे आप सब पूजा कर रहे थे साधु हुसंत, सब पूजा कर रहे थे उसका माहौल क्या था हमारे बरकत अली एक कांस्टेबल थे और एक शेर सिंह या ऐसा कोई नाम था वो दो एक हिंदू एक ब्राह्मण एक हिंदू एक मुसलमान दो रहते थे वहाँ तो बारह बजे तक जो हिंदू कांस्टेबल थे उनके आ, क्या बोलता है बदरी हो गई इसके बाद बरकत अली जो कांस्टेबल से वो आए आने के बाद में और ये उस उन्हीं के समय में वो बरकत अली गेट पर ड्यूटी कर रहे हैं ताला बंद करके बैठे हुए थे उसी समय चार बजे जो है एक प्रकाश हुआ और बरकत अली ने देखा प्रकाश हुआ एक दिव्य छोटी सी मूर्ति दिखाई दी और बहुत दिव्य स्वर्णमयी और उनकी बात है मतलब जो बरकत अली कहाँ है उसको बता रहा हूँ और उसको देख कर कि वो आश्चर्य हुआ आश्चर्य में पड़ गए उसके बाद उन्होंने सूचना दिया प्रशासन को पुलिस के आए पुलिस लोग आए सब देखें कहें उसकी वही का बयान है कि ऐसी मूर्ति जो वही बहुत सुंदर बहुत मनोरम रही और उसको देख के हमको आश्चर्य हुआ और बड़ी कठिनाई हुई इसलिए वह मूर्ति अपने आम में प्रकट हुई और जिसका लोगों ने पूजा करना शुरू किया इस प्रकार का बयान जो था वो बरकत अली का था पांच सौ साल पुरानी ये जो संघर्ष चल रहा था महाराज जी अब सफलता के रूप के तरफ जा रहा है तो आपका क्या मानना है अयोध्या के लोग क्या उपलब्धि करेंगे इस बारे में देखिए बहुत कुछ संघर्ष हुआ बहुत लोग चले गए यहाँ के राजा महाराजा थे वो सब संघर्ष में क्योंकि मुगलों के शासन था मुगल शासन उनके पास सेना रही और सेना के द्वारा मार दिए जाते थे इसलिए बहुत लोगों ने प्रयास किया है इसको इसको प्राप्त करने के लिए लेकिन असफल रहे और सब मारे गए और सफलता जब मिल, मिली हुई तो देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी नहीं हुआ फिर उसके बाद देश स्वतंत्र के बाद में तेईस जगस्टर उन्नीस सौ उनचास को भगवान रामलला के प्रकट होने के बाद में यह बहुत संघर्ष चला दोनों दोनों पक्षों में समझौता की बात चली लेकिन वो तय नहीं हुआ फिर अंत में कोर्ट गया कोर्ट में ही जो कुछ हुआ निर्णय हुआ इसलिए उनको पाँच एकड़ जमीन मिल गई है वो मस्जिद बनाने के लिए और रामलला के वह जो आदेश था रामलला के पक्ष में वो मिल गया और यहाँ मंदिर बन गया वहाँ मस्जिद बन गई है हम लाएंगे मंदिर वही बनाएंगे तो उस समय जो नारा था आज सफलता के रूप जाने वाला बहुत, है बहुत नारा था हाँ उसमें नाराज बहुत से कि जो कहेगा बाबरी उसको समझो आखिरी ये सब नारा सा राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और आज, आज वही उनके जो घोषणा तही वो आज बन रहा है महाराज जी आखिर ये सवाल है कि अयोध्या वासी जो है भारत का पूरा नज़र उस समय रहेगा जो गर्भगृह में प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे आप भी वहाँ पर रहेंगे इतने साल से आप पूजा कर रहे हैं और कौन कौन साथी में रहेगा हाँ जैसा कि जो मीडियम तो आया है सभी लोगों ने जो ये मान यहाँ जो शासन प्रशासन दोनों तय करता है तो दोनों ने तय किया है कि चूंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे प्रधानमंत्री के साथ में यह जो आरएसएस के हैं प्रमुख मोहन भागवत जी आएंगे और मुख्यमंत्री जी आएंगे उसके बाद में जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो भी आएंगे महिला हैं क्या वो ये चार रहेंगे एक हम रहेंगे मुख्य पुजारी बस ये पाँच लोग गर्भगिरी में रहेंगे अभी मन में क्या चल रहा है बाईस जनवरी को लेकर बहुत प्रसन्नता बहुत आनंद है हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहे रो मुख्य पूजक रह पैँतिस वर्ष धरी मुख्य पूजक भाइ पूजा गरुमलाइस तारिख को अपेक्षा रिसहित अजोध्यावासी मध्य से आम सहित अधिक चर्चा गर्दै अजोध्यु क्यमेरा पर्सन सुमज साहु स्वप्नाञ्जली महान्त अर्गस न्यूज जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं